चूर में नहीं रहता तो कहाँ रहता है? Do you know? Hello guys, I am Nilaksh. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स के ग्रुप को इंग्लिश में क्या कहते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम लाइंस के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। सिमिलरली हम टाइगर्स के ग्रुप को स्ट्रीक या अंबुश कहते हैं। इसी प्रकार से हम लेपर्ड्स के ग्रुप को लीप कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैट्स के ग्रुप को क्लाउडर या ग्लेरिंग कहते हैं। और हम एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड या प्रेड कहते हैं। हम बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हम काउस, बफलोस, गोट्स के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। इसी प्रकार से हम बीस के ग्रुप को स्वॉर्म या ग्रिस्ट कहते हैं। सिमिलरली हम वुल्फ्स या डॉग्स के ग्रुप को पैक कहते हैं, पैक ऑफ वुल्फ्स या पैक ऑफ डॉग्स। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फिश के ग्रुप को स्कूल ऑफ फिश या शॉल कहते हैं। तो ये थे कुछ कलेक्टिव नाउंस जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए। इसी प्रकार से बहुत सारे कलेक्टिव नाउंस हैं जो मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। बाय बाय।